बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद उमैर। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और हमने 4.1 से लेके 4.5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.6 से ऑनवर्ड। तो देखें, पहला न्यूमेरिकल है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher than reservoir in 20 minutes if density of water is 1000 kilogram meter per cubic. Find the increase in potential energy. Find the power delivered by the pump. तो देखिए, यहाँ पे इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो हमारे पास एक रेजरवायर है। रेजरवायर से हमने पानी जो है वो टैंक तक लेके जाना है और पंप के ज़रिए से इसको हम लेके जा रहे हैं। तो पंप जो है वो 100 मीटर क्यूब का वाटर जो है वो पंप करवा के रेजरवायर से कहाँ तक लेके जा रहा है, टैंक तक। और इस टैंक की जो हाइट है वो रेजरवायर से कितनी है, 10 मीटर की है। और 20 मिनट में वाटर जो है वो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है टैंक के अंदर रिजर्वायर से, वो है 100 मीटर क्यूब। अगर वाटर की डेंसिटी जो है वो, पानी की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक हो, तो हमने बताना है कि रिजर्वायर से टैंक तक जो है वो पानी जो लेके जा रहा है पंप, उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितनी इनक्रीज आई है और कितनी पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है पंप। ये रिजर्वायर है हमारा, यहाँ से पानी जो है वो टैंक तक जा रहा है जो कि पंप के ज़रिए हम लेके जा रहे हैं। अगर 100 मीटर क्यूब का वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मिनट के अंदर, तो हमने वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इसकी पावर पंप की जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन डेटा में क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, इसको वी से डिनोट कर लेते हैं। वो है हमारे पास 100 मीटर क्यूब। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे और क्या गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ रिजर्वायर, सॉरी टैंक की जो हाइट है वो रिजर्वायर के लिहाज से कितनी है, वो है 10 मीटर है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद टाइम जो है वो हमें कितना दिया है, यहाँ पे 20 मिनट्स है। तो 20 मिनट्स को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में, ये मिनट्स में है। तो सेकंड्स में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये सेकंड्स में चले जाएगा। तो याद रखिए एक बात स्टूडेंट्स, के जब भी न्यूमेरिकल्स हल करने हैं सबसे पहले उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास टाइम यहाँ से आ जाएगा, टी जो है वो 1200 सेकंड्स, यानी कि 1200 सेकंड्स जो है वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। और डेंसिटी जो है ये हमें ऑलरेडी वाटर की गिवन है, कितनी है ये 1000 स्टूडेंट्स। ये अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ना भी दी हो क्वेश्चन में तो ये आपको याद करनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी इजी सी है, आसानी से याद हो जाती है। ये आ जाएगी हमारे पास 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीज हमने चेक करनी है एक, तो दूसरा इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक पावर और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, PE इज इक्वल टू आ जाएगा MGH। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद। हाइट हमारे पास गिवन है,
जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे इसका मास नहीं अभी हमारे पास है, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम भी हमारे पास मौजूद है, डेंसिटी भी मौजूद है, तो फार्मूला लगा के यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ये होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास जो है वो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू आ जाएगा ये डेंसिटी मल्टीप्लाई आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसके अंदर इसकी जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा जी वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास 1000 है और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे है 100 और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, ये इसके साथ लिख देंगे क्योंकि मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, या इसको हम 10^10 लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा मास। अब यहाँ से इजीली हम जो है वो पावर कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास PE इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 10^5 है 5 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद G की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो आ जाएगी 9.8 और उसके बाद यहाँ पे H जो है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 10^1 और इसको अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट देखें तो क्या होता है जूल के बराबर होता है ये। तो ये यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 10^6 जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। अब देखें ये तो पहला पार्ट हमने कर लिया, अब इसकी हमें कैलकुलेट करनी है पावर। तो पावर के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये आ जाएगा W ओवर T। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो है वो बात यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करनी है जो कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ यहाँ से वाटर जो है वो रिजर्वायर से टैंक तक जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वर्क जो है यहाँ पंप जो है वो कर रहा है जो पानी को यहाँ तक ले जाने के लिए, यही वर्क जो है वो इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वर्क जो है वर्क डन जो पंप कर रहा है पानी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, यानी कि रिजर्वायर से टैंक तक ले जाने के लिए जो वर्क कर रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से देखें ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी डिवाइडेड बाय आ जाएगा टाइम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कितनी थी हमारे पास 9.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 10^6 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1200 सेकंड्स जो है वो टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.16 मल्टीप्लाई 168, ये 1 है 6 और मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर पर, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ रहा है 10^6 और पावर का यूनिट क्या होता है हमें पता है वाट। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और हल करें अगर, तो ये 10^3 जो होती है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये किलो के बराबर होता है, ये आ जाएगा फिर हमारे पास किलो वाट के अंदर पावर आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, एक ये पार्ट था हमारा और दूसरे का आंसर ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 4.7। इफ फोर्स यानी के थ्रस्ट की बात कर रहा है ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट पावर इन किलोवाट आवर के अंदर उसने पूछी है मस्ट बी द इंजन डेवलप्ड। अब देखें ये एक समझें वो यहाँ पर कार है या कोई गाड़ी है जिस पर 400 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगा रही है रोड पर रोड के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए कितनी फोर्स लगाई जा रही है यहाँ पे 400 न्यूटन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग ऑटोमोबाइल और वो ऑटोमोबाइल जो है वो हमारी 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है तो उस गाड़ी का यानी कि ऑटोमोबाइल का इंजन जो है वो पावर कितनी डिलीवर कर रहा होगा तो वो पावर जो है वो हमें यहाँ पे करनी है कैलकुलेट। तो पावर कैलकुलेट करते हैं इसकी सिंपल सा फार्मूला है बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है फोर्स एक तो गिवन है कितनी है ये 400 न्यूटन है और वो गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी कि स्पीड अगर इसकी देखें हम एक घंटे के अंदर ये कितना सफ़र तय कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर का तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करनी है इसकी पावर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमने पावर का फार्मूला ड्राइव किया था तो वहाँ पे हमने एक पावर के लिए स्पेशल केस पढ़ा था पावर बराबर होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपली तौर पर ये वाला फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर देंगे और जो भी पावर आएगी उसको किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में मीटर पर सेकंड में तो वेरी इजी 80 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे एक किलो आ जाएगा और पर आवर का मतलब क्या होता है एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स हैं ये भी कन्वर्ट कर लेते हैं ये 3060 नहीं ये हमारे पास हैं 3600 ठीक है 3600 सेकंड्स बनते हैं ये हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 22.2 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब जस्ट इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है और पावर कैलकुलेट कर लेनी है तो यहाँ से पावर आ जाएगी हमारे पास फोर्स कितनी है 400 न्यूटन है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 22.2 के साथ और पावर का यूनिट क्या होता है वाट। अब जस्ट इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8888.8 ये हमारे पास वाट के अंदर आ जाएगी लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोवाट आवर में। तो यहाँ से जस्ट क्या करेंगे इसको या तो 1000 से डिवाइड कर दें या इसका पॉइंट जो है वो थ्री फिगर्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा दें तो ये आ जाएगी हमारे पास 8.88 और ये आ जाएगी किलो में वाट में और ये आ गया राउंड ऑफ करके अगर इसको देखें तो ये आ जाएगी 8.9 किलोवाट आर सॉरी किलोवाट। ये चलें स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक स्टेप्स आपके लिए जो आसानी के लिए कर देता हूँ कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे
मैंने यहाँ से पॉइंट को क्या किया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई 10^3 आ जाएगा 3 वाट, और 10^3 का मतलब होता है किलो। तो ये हमारे पास पावर जो है वो किलो वाट आवर में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 4.8 की। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 मल्टीप्लाई 10^-31 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट स्पीड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखें स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हमें गिवन है 9.1 मल्टीप्लाई 10^-3 किलोग्राम। इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा हुआ है और उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, अगर उसकी फाइनल स्पीड जो है वो हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई 10^7 मीटर पर सेकंड हो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्लियरली है बात के इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई, इसको यहाँ पे हम कह लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो होगी फिर 0 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आ जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास फिर इसकी क्या होगी, यहाँ पे उसको वी एफ से डिनोट कर लेते हैं हम। ये आ जाएगी हमारे पास 2 × 10^7 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें गिवन है, वो कितना है 9.1 × 10^-, ये आ जाएगा -31 किलोग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है डिस्टेंस, जब वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा जी 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर को स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस का यूनिट होता है ऐसे ही मीटर, तो इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, 5 को डिवाइड कर दें 100 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये मीटर्स में। और अगेन इसका आंसर क्या आएगा 0.005 मीटर्स में इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला जो है वो हमें अप्लाई करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का नाम भी दिया था। तो यहाँ पे देखें इसके लिए फार्मूला था हमारे पास एफ डी इज इक्वल टू आ जाएगा फिर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की आएगी हाफ एम वी स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ये वाला फैक्टर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। 0 को यहाँ पे किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो फिर रिमेनिंग कौन सी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, वो आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लाइट सा है, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स, तो डी को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डी इंटू आ जाएगा एम वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब जस्ट इसकी वैल्यूज जो है वो हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस डी की वैल्यू होती है हमारे पास 0.05
0.05 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे मास कितने इलेक्ट्रॉन का, वो है हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 10^-31 मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पे स्पीड, स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 2×10^7 और इसका आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। मज़ीद स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आंसर आ रहा है, 0.05 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 9.1 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 10^-31 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये मैथमेटिक्स का रूल है तो यहाँ पे 10^14 आ जाएगी 14 और बाकी जो है स्टूडेंट्स इसको हम और सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे आप भी कैलकुलेट करें साथ साथ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ इसको तो ये देखें 9.1 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 4 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 36.4 और इसको डिवाइड कर दें 0.1 पर तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आता है 364। और अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें देखना है पावर्स जो है वो इसको एक ही बेस पे ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10^4 फिर हमारे पास यहाँ पे देखें ये 14 है और ये माइनस का है हमारे पास 31 तो इसको इसके अंदर ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर -17 आ जाती है पावर। और इसको मज़ीद अगर हम करें हल, इसका पॉइंट इधर की तरफ लेके आएं यानी कि 3 के करीब ले आएं इसका पॉइंट तो ये हमारे पास फोर्स बराबर आ जाती है, फिर यहाँ से ये 3.6 कर लेते हैं 3.64 तो यहाँ पर क्या आएगा, दो फिगर्स हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है यहाँ से इसका पॉइंट इस तरफ लेके आए तो यहाँ पे आ जाएगा 10^2 और इसको हम यूँ लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 10^17 माइनस का है ये। और मज़ीद इसको हल करते हैं यहाँ पे साइड पे चलें कर लेते हैं इसको, ये साइड पे आ जाएं जी, ये आ जाएगी फिर फोर्स बराबर हमारे पास 3.64 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10^-15 और फोर्स का यूनिट क्या आता है स्टूडेंट्स न्यूटन तो ये न्यूटन साथ में हम इसके लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसके लिए फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे 4.9 की। ए डाइवर वेइंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम ए बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ ए वूल ऑफ वाटर, यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी to find its speed at a point 5 meter above the water surface neglecting air friction। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डाइवर है जिसका वेट जो है वो कितना है 750 न्यूटन्स और वो एक
बोर्ड पर मतलब बोर्ड से, यानी कि ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी हाइट जो है वो सरफेस ऑफ द वूल अगर हम देखें तो वो कितनी है, 10 मीटर हाइट है। यानी कि ये अगर हम इसको बॉटम मान लें तो ये बॉटम से इसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हमने इसकी स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है 5 मीटर, यानी कि वाटर की सरफेस। ये फर्ज करें हमारे पास एक पूल है, ये पूल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा एक पूल है, एक तालाब है, एक डाइवर यहाँ पे खड़ा है जो कि इस बॉटम के लिए, यानी कि इस पूल के बॉटम के लिहाज से अगर हम देखें तो वो 10 मीटर की हाइट पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और अगर हम पानी की सरफेस के लिहाज से देखें तो ये डाइवर जो है वो कितनी मीटर की हाइट पे खड़ा है, 5 मीटर की हाइट पर खड़ा है। तो डाइवर जैसे ही इसके अंदर कूदेगा तो हमने इसकी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कि मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है कब, जब ये 5 मीटर की हाइट पे होगा। यानी कि ये इसकी पूल की सरफेस है, जो इसकी हाइट बन रही है हमारे पास वो कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर इसकी हमने वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में एक रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। वेट जो है वो इसका हमारे पास है यहाँ पे W, वो है 750 न्यूटन, इतने न्यूटन जो है वो इसका वेट हमारे पास लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखें वेट बराबर एक और चीज़ का भी होता है, चलें वो बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमें और क्या चीज़ गिवन है, हाइट H1, यानी कि ये हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ ए पॉइंट अबव द सरफेस, ये सरफेस से अबव इसकी हाइट जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि बॉटम से जो इसकी हाइट है वो है जी 10 मीटर की हाइट पे है। और उसके बाद जो है H2, यहाँ पे एक और हाइट का नाम ले लेते हैं, इसको हम H2 का नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास हाइट है, सॉरी ये H1 जो है ये हमारे पास है हाइट ऑफ पॉइंट अबव द बेस्ट, ये बेस्ट से ऊपर की हाइट है, वो गलत मैं बोल गया। H2 जो है ये हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ अ पॉइंट अबव द सरफेस, यानी कि अबव द सरफेस, ये इस वाटर की सरफेस से ऊपर जो है वो हाइट हमारे पास कितनी है, वो 5 मीटर की है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, इसकी स्पीड मालूम करनी है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने एक रिलेशन हमने पढ़ा था, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब ये डाइवर इस पोजीशन पर होगा तो इसकी यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ये डाइव करेगा इसके अंदर, पूल के अंदर, तो यही इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, इसकी जो है वो कम होती हुई ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और यही हमने वहाँ पर प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास सिंपल तौर पे इसके लिए फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे जस्ट इसकी
में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, यहाँ पे है जी एम जी एच। एच यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल हाइट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो होगी हमारे पास एच वन माइनस एच टू के बराबर आ जाएगी यहाँ पे नेट हाइट, और बराबर ये किसके आ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये होगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये अगर हम देखें वेट बराबर किसके होता है, तो ये वेट बराबर एम जी के भी होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी की वैल्यू आ जाएगी 750 न्यूटन, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है, एम जी की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 750, तो ये हमने 750 यहाँ पे पुट कर देते हैं। एच वन स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 10 है, और एच टू कितना हमारे पास है 5। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम, ये स्टूडेंट्स एक मिनट, ये यहाँ पे गलती एक मिनट हो गई, ये देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये एम से जो है वो एम कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से एम कैंसिल आउट कर दिया हमने। आगे नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ये बच जाता है हमारे पास जी इंटू आ जाएगा ये एच वन माइनस आ जाएगा ये एच टू। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन में था कि हमने स्पीड मालूम करनी है एट ए पॉइंट 5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर सरफेस, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम v की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी, यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो उस वक्त हमारे पास हाइट कितनी थी, यहाँ पे 5 मीटर है, तो यानी कि टोटल में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे वो जो भी आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बच जाता है, हाफ वी का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा 9.8 जी की वैल्यू है, हाइट कितनी है हमारे पास एच वन वो है 10, एच टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास हाफ वी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5, और ये 2 इधर लेके आएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके उधर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा जी, ये 98 के बराबर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 98 इन सबको मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ से क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, यह आ जाएगा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास स्क्वायर रूट 98, और इसका स्क्वायर रूट वी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये वी बराबर आ जाएगा हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब आखिरी न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम 4.10 की, ए चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ हाइट 4.0 मीटर, व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस, बी पार्ट है इसका इफ ही रीचेस द बॉटम विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, what percentage of his total energy at the bottom of the slide is lost as a result of friction। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक में उसने वेलोसिटी पूछी है हमें बॉटम पर, और जब वो कहता है ये बॉटम पर पहुंचता तो इसकी वेलोसिटी जो है वो
6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसकी टोटल एनर्जी जो है वो इसका जो कि स्लाइड की वजह से लॉस हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन वो कितनी है, हमें परसेंटेज में बतानी है लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 4 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी अगर हम टॉप देखें इस स्लाइड का तो वो कितनी हाइट पर है, 4 मीटर की हाइट पर। और यहाँ पे एक बच्चा जो है वो रेस्ट में है। अब जैसे ही ये बच्चा टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा, यहाँ से हम देखते हैं इसको, मैं हाईलाइट करता हूँ, अगर ये देखें एरो से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे ही ये बच्चा टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या हमें करनी है, इसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है इसकी। अगर ये हमारे पास स्लाइड जो है ये फ्रिक्शन लेस है तो पहला ए पार्ट जो है इसका हल करते हैं। ए पार्ट में यहाँ पे हमसे पूछा गया है वो इसकी वेलोसिटी हमने बतानी है बॉटम पर, तो ये वी यहाँ पे हमें क्या करनी है कैलकुलेट। तो जस्ट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हाइट जो है वो हमें गिवन है वो कितनी है 4 मीटर है। ये 4 मीटर जो है वो हाइट हमें गिवन है, ये देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, यही हमने कंसेप्ट यूज़ किया है, जब ये टॉप पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब ये बॉटम पे आएगा तो यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन इज इक्वल टू आ जाएगा ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है हमारे पास एम जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है एम से एम कैंसिल आउट, ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी एच के बराबर आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे एच कितना है हमारे पास 4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 2 भी है इधर, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा साथ में, यहाँ पे इसको रेज कर लेते हैं, इस तरह की गलतियाँ सर मूमन हो जाती हैं। ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2, जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 78.4, ये हमारे पास इसका सबको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वेयर रूट ले लें और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 78.4। तो यहाँ से स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट, तो v बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, अगर इसको कैलकुलेटर पे देखें राउंड ऑफ करके देखें आंसर, ये आ जाएगा 8.8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बॉटम पर इसकी स्पीड जो होगी इस बच्चे की वो कितनी होगी, ये हमारे पास आ जाएगी 8.8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड जो है वो अटेन करेगा। अब इसका सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अभी यहाँ पे देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के सूरत में अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखें, वेलोसिटी जो है वो, यहाँ स्पीड जो है वो हमें गिवन है कितनी, उस वक्त इसकी स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हम लिख लेते हैं। अब देखिए, टॉप पर हमारे पास क्या थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और बॉटम पे क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये अलग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगी एम जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा एम जी एच। यहाँ पे मैस जो है वो हमें नहीं गिवन, तो इसलिए इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं हम पुट कर रहे। ये आ जाएगा एम एस ई टी सी, आ जाएगा जी की वैल्यू होती है 9.8, ये आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे हाइट कितनी है हमारे पास मैक्सिमम है, तो ये आ जाएगी 4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 9.8 को 4 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 39.2 m। यहाँ पे m से मुराद मीटर नहीं है बल्कि ये मैस है, ये m मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है बॉटम पर, तो बॉटम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कितनी होगी हमारे पास। ये हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ये एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, इसकी एम की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, जबकि V की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये हाफ यानी कि 1/2, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36, और M जो है इसके साथ एज इट इज ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसको इसके साथ वो करें कैंसिल आउट, तो ये 18 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास आ जाएगी फिर, सॉरी ये इसको कट करके आ गया था हमारे पास 18 आंसर, ये आ जाएगा 18 m। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी कह लें यहाँ पे कितना हुआ हमें एनर्जी, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास लॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.2 m माइनस आ जाएगा ये 18 m। तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 21.2 m आ जाएगा, ये हमारे पास लॉस इन काइनेटिक लॉस इन एनर्जी आ गया यानी कि टोटल एनर्जी। अभी यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे परसेंटेज और लॉस, परसेंटेज लॉस निकालना है यहाँ पे एनर्जी का, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, लॉस यानी कि जितना हमें एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी ई डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी
तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो कितना था हमारे पास 21.2 m में डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, यानी कि जब बचा यहाँ पे था तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यही हमारी टोटल एनर्जी होगी। ये आ जाएगी हमारे पास 39.2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ क्योंकि परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी चलें लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 कर दी, जब सब इनको ये एम से जो है वो एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर सिंपली तौर पर बाकी सब इसको 21.2 को डिवाइड कर दें 39.2 पर, तो ये हमारे पास आता है आंसर इसका 0.54 समथिंग, और जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 54%। तो ये हमारे थे आज के न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर नए चैप्टर के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।